गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। करंट लगने से विद्युत बोर्ड के युवा कर्मचारी की मौत। बीड में ग्रामीणों का धरना। गर्ली में कल धरने पर बैठेंगे ग्रामीण। माल रेलगाड़ी पलटी, यातायात बाधित। और अब खबरें विस्तार से। जोगिंद्रनगर में करंट लगने से बिजली बोर्ड के युवा कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक 22 वर्षीय पंकज कुमार गोहर का रहने वाला था। गत 1 साल 3 महीने से ड्यूटी कर रहा था। वार्ड 2 में नव निर्मित दुकान में मीटर लगाने गई 3 सदस्यीय टीम में पंकज कुमार जूनियर टीममेट भी शामिल था। टीम के पास सीढ़ी ना होने के कारण दूसरों के लेंटल के रास्ते जैसे ही पोल पर चढ़ा तो करंट लगने के कारण वहीं लटक गया। प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राइवेट ECG करवाई गई, जिसके बाद पंकज कुमार को मृत घोषित किया गया। मीटर लगाने गई टीम में प्रताप सिंह फोरमैन और ठाकुर दास जूनियर टीममेट भी शामिल रहे। विभागीय अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए थे। मृतक पंकज कुमार के पिता का नाम मोतीराम, गांव टिक्कर, तहसील चट्टियोट है। पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात घाटी बीड बिलिंग में साडा द्वारा जारी फरमानों से वहां की चारों पंचायतों बीड, गुनेहड़, क्योर व चौगान की जनता परेशान है। आज बीड स्थित साडा बैरियर पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिलिंग को जाने वाले रास्ते को रोककर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि बार बार प्रशासन से ये कहा गया कि इस साडा के बैरियर को 1 नंबर मोड़ पर लगाया जाए, ताकि गुनेहड़ पंचायत को जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी ना हो, ना ही उस पंचायत को जाने वाले ग्रामीणों से पैसे वसूले जाएं। मगर प्रशासन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते मजबूर होकर आज चारों पंचायतों के लोग, पैराग्लाइडिंग पायलट, चारों पंचायतों के प्रधानों की अगुवाई में धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बीड में साडा द्वारा स्थापित इस बैरियर को यहां से हटाया जाए या फिर आगे 1 नंबर मोड़ के ऊपर इसको लगाया जाए, स्थानीय लोगों से कोई भी पैसा वसूला ना जाए। अच्छा, हम सारे लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, इवन की पैराग्लाइडिंग पर स्थानीय जो लोग आए हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि जो साडा का बैरियर और 75 रुपये पर फ्लाइंग जो हमसे वसूले जाते हैं लोकल पंचायतों से, जो जिसमें भीड़, गुनेहड़, क्योर और चौगान आते हैं, मैं ये चाहता हूँ और स्थानीय जनता भी ये चाहती है कि हटाया जाए। बाहरी अगर पर्यटक से अगर ये वसूला जाता है तो उसके विरोध में हम नहीं, एवज में हम इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि साडा की इनकम हो, मगर बाहरी पर्यटकों द्वारा हो, ना कि लोकल स्थानीय जनता इससे हराश हो। और दूसरी ये बात, अगर ये पैसे वसूले जा रहे हैं हर पायलट से, पर फ्लाइंग और हर गाड़ी वाले ड्राइवर से, तो इस पैसे का यूज जो है, यूटिलाइजेशन, सिर्फ टेक ऑफ साइड पे, लैंडिंग साइड पे या स्थानीय जितनी भी डेवलपमेंट होती है एरिया की, उसमें लगाया जाए, उसका रिकॉर्ड वाइज हम लोगों को उसका दिया जाए। साडा में इसके बारे में, बैरियर के बारे में, ये सभी लोगों की मांग है कि बैरियर हटाया जाए। और हमारी जवान पंचायत की भी मांग है कि जो वोल्वो बसेज है, वो कॉलोनी जाती है, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जवान चौक में आधा आधा घंटा तक जाम लगा होता है और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बसें भीड़ में लगनी चाहिए या फिर नीचे भीड़ रोड में ही लगनी चाहिए। और सर, जो चौगान चौक से लेके जो टिप्टन कॉलोनी तक जो जितनी भी लाइटें लगी है, वो सभी खराब पड़ी हुई है। हमें 1.5 साल हो गया प्रधान बने हुए। हम साडा की हर मीटिंग में यही क्वेश्चन रखते हैं कि लाइटें कब ठीक होगी, और इस बार की प्रोसीडिंग में भी आ गया कि लाइटें जल्द से जल्द ठीक होगी और इन लाइटों की जगह सोलर लाइटें लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही तो क्या बोलते, साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि 10 दिन में लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और हमारी यही मांग है कि जो भी वोल्वो बसेज है, वो कॉलोनी में ना जाके या तो भीड़ में खड़ी की जाए या भीड़ रोड में खड़ी की जाए, नहीं तो हम भी इसी तरह का धरना देंगे चौगान चौक में। इससे जो टैक्सी वाले उनको भी काम मिलेगा, और जो चौक मतलब मार्केट में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, वो भी हटनी चाहिए। और ये सभी गाड़ियाँ जो जहाँ वोल्वो बसें लगती है, वो वहाँ खड़ी होनी चाहिए मार्केट में। नागरिक अस्पताल गर्ली में बदहाल डेंटल चेयर को बदलने के लिए ग्रामीणों द्वारा विभागीय प्रशासन को दिया गया अल्टीमेटम खत्म होते ही धरने की तैयारी हो गई है। अब मंगलवार सुबह पंचायत उपप्रधान सुशांत मोदगिल के नेतृत्व में
क्षेत्र भर के दर्जनों ग्रामीण 19 अप्रैल को धरने पर बैठ जाएंगे। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। उप प्रधान सुशांत मोदगिल ने SDM देहरा धनबीर सिंह ठाकुर को अनुमति हेतु एक मांग पत्र सौंपा है। यहाँ डेंटल चेयर बदहाल होने पर बिना उपचार करवाए वापस अपने घर जा रहे हैं। गर्ली के पंचायत उप प्रधान सुशांत मोदगिल का आरोप है कि यहाँ करीब 3-4 महीनों से लगातार डेंटल चेयर बदहाल पड़ी हुई है। ये जो हमारी डेंटल चेयर है, ये लगभग नवंबर एंड में इस चेयर को जो हमारे जो गवर्नमेंट ने हायर की थी कंपनी को रिपेयर करने के लिए, इसको नॉन रिपेयरेबल डिक्लेयर कर दिया था कि इसकी सर्विस नहीं हो सकती है, नॉन रिपेयरेबल डिक्लेयर किया था। उसके बाद हमने जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, हमने लेटर जो है डेंटल डायरेक्टोरेट को भी लिखा था और हमारे CMO सर को भी लिखा था कि नॉन रिपेयरेबल डेंटल चेयर है और इसको नई चेयर के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा था। तो अभी 10-15 दिन अभी तो जो डायरेक्टर लेवल पर मेरी बात भी हुई थी, तो डायरेक्टरेट में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनका जो इसके लिए बिड होती है, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो रहा था डायरेक्टर लेवल पर। 10-15 दिन पहले डायरेक्टर टेम्परेरी चेयर नई जो PSC मशीन है, ज्वालाजी ब्लॉक के अंडर पड़ती है PSC मशीन, तो वहाँ से टेम्प्रेरी शिफ्ट करने की बात कर रहे थे कि यहाँ पे शिफ्ट करेंगे उस चेयर के लिए जब तक इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट का फाइनल नहीं हो पाता है। तो शायद 10-12 दिन पहले ये लेटर डायरेक्टर से इशू हुआ है CMO ऑफिस के थ्रू। तो अब उसके लिए आगे की जो हम लोगों की जो कार्रवाई है कि वहाँ से, उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि पहले वहाँ से मशीन में वो चेयर अनइंस्टॉल होगी, अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और डायरेक्टर की जो लेटर हमें ऑफिशियल वहाँ से आया, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि किसने करना है उसको, हमें अपने लेवल पे करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको किया जाएगा। तो हमने अभी डॉक्टर मनन जो यहाँ पे इंचार्ज हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से इसको चेयर को मशीन PSC से अनइंस्टॉल किया जाए और यहाँ पे इसको इंस्टॉल। रविवार देर रात लगभग 12:30 बजे रेल हादसा हो गया। माल रेलगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, रेल पलट गई, रेलगाड़ी की बिजली की तारें भी टूट गई हैं। रेल यातायात प्रभावित हो गया है, जिस पर प्रशासन की ओर से काम शुरू हो गया है। हालात सुधारने में काफी समय लगेगा। हालांकि इस हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कंडा घाट, सोलन। द दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल विद 96 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड अंडर द एजेस ऑफ दिल्ली वर्ल्ड फाउंडेशन इज लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट इन कंडा घाट इन हिमाचल प्रदेश ऑन चायल रोड इज इजिली रीचेबल फ्रॉम द मेजर सिटीज। द स्कूल नेसल्स बिटवीन टू हिल्स विद इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available, science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for Holistic Development of a Child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with a provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988 20
7500497 और 7559640097।